पकड़ो आराम से आराम से आराम से। ब्राउन बैक ट्री स्नेक है, ये है ब्राउन बैक ट्री स्नेक। ये नमिता भाभी है जो मेरी स्टूडेंट है, अभी इनका सेकंड रेस्क्यू है। फर्स्ट इन्होंने एक रैट स्नेक को रेस्क्यू किया था जो कि बहुत ही बड़ा था। अभी आप इसको बैग में डालो, बैग में डालो। तो अभी शानदार रेस्क्यू हो गया अभी। ओके चलो जाएंगे। अभी इसको हम रिलीज करने जा रहे हैं हमारे ये नन्हे बच्चों के साथ। रजाक भाई के बच्चे हैं ये आमना और ये ऐमान। इस मेहमान को हम उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। चलो आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ में आ रहे हैं रेस्क्यू और रिलीज करने के लिए। इनका सीखने की उम्मीद देखकर मेरे को भी अपना शुरुआती दौर याद आता है। ये ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक है, इसको कन्नड़ में ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक है ये, इसको कन्नड़ में कंचिन मरदा हाउ बोलते हैं और मराठी में रुका सांप बोलते हैं। इसका हेड फ्लैट होता है, बॉडी लंबी और स्लिम होती है और ये एक ट्री से दूसरे ट्री तक जाने के लिए उसका बहुत लंबा पूछ होता है, टेल। बॉडी के 1/3 उसका टेल होता है और इसके सेंटर में जो ब्राउन लाइन है, ये जो ब्राउन लाइन है, थिक ब्राउन लाइन होता है ये सेंटर में, और साइड में ब्रॉन्ज कलर के दो लाइन्स होते हैं, ये देखो शाइनिंग के दो लाइन्स। इसके सेंटर में जो ब्राउन कलर के नीचे है वो जब गुस्सा होता है, आंख फुलाता है ना, तब उसके बीच में वो ब्लू कलर के स्पॉट्स दिखते हैं इसके, स्काई ब्लू जैसा शाइनी, वो भी शाइनी होता है, अभी भी नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। वो हमसे थोड़ा अपसेट भी है, अपसेट भी है, देख सकते हैं। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बड़े गोल्डन कलर के आईज है, आप देख सकते हैं। लिजार्ड और छोटे पंछी इसका खाना है। 3 फीट इसका एवरेज हाइट है, 5 फीट तक ये बढ़ सकता है लेकिन 3 फीट है। बहुत ही खूबसूरत स्नेक है ये, देखो बच्चा भी इसको पकड़ने के लिए इतना ये हो रहा है। ये मेरा बेटा है, इसको डेली सांप के साथ में जोर से पकड़ना नहीं माँ, धीरे से धीरे से। ये अभी रिलीज करने इसको देगा नहीं, इसके लिए भाभी आप ले लो और इसको रिलीज करो। और एक काटता भी है इंसान को तो भी कुछ नहीं होता, इसका स्वभाव बहुत ही शांत होता है, ये इजीली काटता नहीं है इंसानों को। हाँ, बहुत ही शांत स्वभाव होने से बहुत ही रेयरली काटता है। अगर ये बच्चे हैंडल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर उनका घर में वही बैकग्राउंड है तो कर सकते हैं, लेकिन ये हम कर रहे हैं बोल के आप सभी मत करना। जब तक आप ट्रेन नहीं होते, स्नेक के बारे में आपको पता नहीं है, जान के साथ किसी को वो भी नहीं खेलना है। ये हमारे घर में अगर वो बच्चे पकड़ना चाह रहे हैं, हम उसको ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो नॉन वेनमस के साथ ये शांत स्वभाव के स्नेक के साथ हम शुरू कर सकते हैं। अभी हम इसको छोड़ देंगे जंगल में। ये मेरा बेटा है, इसे इतना लगाव है सांपों से कि ये छोड़ेगा ही नहीं आंटी को भी। इतना खूबसूरती से, कितना स्पीड से गया हो। इसका बॉडी शायद इसीलिए कुदरत ने बनाया इतना स्पीड से जाने के लिए। अभी ये इधर है, नीचे से आएगा वो। आ रहा दिख रहा है। प्रकृति में, कुदरत में छोड़ के हम लोग अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं ताकि ये अपने कुदरत के साथ में रह सके।
चलो दोस्तों, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव आवर अर्थ।